या स्मूच करते हो तो अगर उसकी होट्स में मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो अभी ये बहुत हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, दीदी, इंट्रोडक्शन, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाए, क्यों पता ही होगा ना सबको, लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था लॉकडाउन में। लेकिन मैं क्या थी, पूना, मुंबई, राजकोट, इधर उधर घूम रही थी, थोड़ा बहुत कुछ काम था, तो इसलिए मैं सारा कैमरा या जो भी चीज़ें मेकअप का सामान है या सब कैरी नहीं कर पाती थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। और आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया हेडलाइन, ओके, तो ये तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले फर्स्ट रीजन है होट के बारे में, आप लिपसिंग तो करते हो ना, फ्रेंच वगैरह बहुत सारे नाम है ना करने के, तो उसके लिए लिप्स बहुत अच्छे होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए या गंदे नहीं होना चाहिए। आप कभी भी स्मूच करते हो या किसी के सामने मेरे जैसे ऐसे बड़बड़ करते हो, तो अगर होट सुंदर है तो वाह क्या बात है। तो अगर होट सुंदर चाहिए, मुलायम चाहिए और डेड स्किन ना जमे, तो उसके लिए सिंपल से आसान का तरीका है कि आपको फ्रिज से लेना है, आइस क्यूब रगड़ना है, उसके ऊपर 2-3 मिनट रगड़ लो और ऐसे कोई भी कपड़ा लेके वाइप कर लो, आपके होट एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग भी मेरे जैसे गरीबी में जी रहे हो, सॉरी ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब मैं गरीब नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ हो तो मैं क्यों गरीब हो सकती हूँ, मैं गरीब होने की तो बात ही नहीं कर सकती। अगर आप मेरे जैसे अलसी हो, होम रेमेडी नहीं करना है, मेडिकल में जाके कोई क्रीम नहीं लेना है और फेस में पिंपल के बहुत सारे दाग धब्बे, इनको कैसे हटाए, सिंपल सा तरीका, फ्रिज की तरफ दौड़ लगाना है, आइस क्यूब लेना है, जहाँ भी दाग धब्बे होते हैं उसके ऊपर आइस क्यूब रगड़ना है, बर्फ रगड़ना है, उससे आपके पिंपल्स कम हो जाएंगे। अगर आपको भी मेरे जैसे मेकअप करने के बाद बहुत सारे पसीना आते हैं और बहुत सारे 1-1 किलोमीटर के खड्डे हैं फेस में, मतलब ओपन पोर्स है, तो उसके लिए भी आसान सा तरीका, मेकअप एकदम फैबुलस करना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए और हमारे ओपन पोर्स भी ना दिखे हमारे मेकअप में, तो उसके लिए आपको प्राइमर की तरफ नहीं जाना है, हमें प्राइमर लगाना ही नहीं है, या आपके पास प्राइमर ख़त्म हो गया हो या है नहीं, तो उसके लिए आप कर सकते हो मेकअप से पहले 15-20 मिनट के लिए लाइटली आइस क्यूब मसाज करिए। आइस क्यूब करने से क्या होगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, जो भी ओपन पोर्स है ना वो क्लोज हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अगर मेकअप के बाद बहुत पसीना आता है ना, पसीने भी कंट्रोल होता है, ओके। ये हेलो, ये कितना नंबर रीजन है, चार नंबर है ना, तीन हो गए ना, हाँ, तो चार नंबर रीज़न कभी कभी हो जाता है क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ, जो भी अपने दिमाग में याद है ऐसे ही बताते हैं। तो चार नंबर रीज़न है डेड सेल हटाना, फेस का डेड सेल हटाना, फेड में मतलब डेड सेल हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्रब करते हैं, फेशियल करते हैं, लेकिन बहुत आसान सा तरीका है फेशियल के लिए, टाइम नहीं है वो नहीं है, तो आपको आइस क्यूब लेना है, पूरे फेस में मसाज करना है, लाइटली कॉटन के कपड़े से रब करना है, पूरा डेड सेल निकल जाएगा, लेकिन जेंटली एकदम रगड़ना नहीं है लाल होते तक। तो अभी बात करते हैं पांचवा पॉइंट, बर्फ़ के फ़ायदे, मतलब फेसियल स्किन के लिए, मतलब ब्यूटी टिप्स के लिए। तो अगर आपके है डार्क सर्कल और आई बैग्स होता है और आंखें थकाहट लगती है, या आप कहीं मेकअप करना है या कहीं बाहर जाना है तो आपकी आंखें सूजी हुई या थकान भरी ऐसे वाली आँखें है, तो उसके लिए आपको करना होगा कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बर्फ़ लगा के इसमें टैपिंग कर सकते हो, नहीं तो इधर लाइटली आप आइस क्यूब रगड़ सकते हो, उससे आपके डार्क सर्कल कम होंगे, शायद साथ में झुर्रियाँ भी थोड़ा बहुत कम होंगे, और जो आपके आई बैग्स है, आई बैग्स मतलब क्या होता है, फिर कमेंट आएगा मुझे, और कमेंट भी आप ऐसा करते हो कि मुझे इधर नहीं करते हो, इंस्टाग्राम में जाके कमेंट करते हो, फेसबुक में जाके कमेंट करते हो, अरे वीडियो के नीचे कमेंट करो, और आप आइस क्यूब लगाओगे तो वो सूजन भी कम हो जाएगी और आई बैग्स भी कम होंगे। चेहरे की थकावट कैसे दूर करें, पॉइंट नंबर 7वां है, ओके, याद रखना। उससे पहले अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो दीदी इंटरनेशनल सर्च करिए, आसानी से मिल जाती हो, इवन कि आप गूगल में जाके दीदी इंटरनेशनल मेकअप ब्यूटी जाके सर्च करते हो, पूरे पेज में मैं दिखाई देती हूँ, फिर भी आपको फॉलो नहीं करना रहता है, फॉलो करो उधर जाके पहले, फिर 7वें नंबर पे हम बात करेंगे। उसके लिए आज बात कर रही हूँ मैं सूजन के बारे में, ऑब्वियसली दारू पीना है, पार्टी करना है, रात भर ज़्यादा नहीं सोना है, पबजी खेलते रहना है, फेस सूजाना है, लेकिन ठीक कैसे करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, नहीं, आपको लेना है बर्फ़, बर्फ़ से लाइटली मसाज कर लेना है, सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। मेरी उम्र बहुत कम है फिर भी मेरी झुर्रियाँ आने लग गई या रिंकल्स आने लग गए, मैं थोड़ी बहुत बुढ़ी जैसी दिखती हूँ, तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करना है, इतने सारा पैसा तो नहीं है और बहुत सारे पैसा भी रहता है लेकिन टाइम नहीं रहता, तो उसके लिए आप कर सकते हो बर्फ़ का इस्तेमाल आसानी से। अगर हो सके तो आप बर्फ़ जब जमाने जाते हो ना, उसमें 2-4 बूंद दूध
दो चार बूंद एलोवेरा जेल या एलोवेरा जूस वगैरह मिक्स करके लगाते हो तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बन जाता है। तो आप उसको फेस में रेगुलर बेस पे लगाते हो अगर सोने से पहले, तो आपके रिंकल्स वगैरह छुमंतर हो जाएंगे और ओपन पोर्स वो भी कम हो जाएंगे, आप हमेशा के लिए जवान दिखोगे ओके मेरे जैसे। अभी आप लोग को पता है कि सब्सक्राइब मतलब क्या होता है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। सब लोग जो भी लाल बटन दबाएंगे ना उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। जितने कितने नंबर है चल रहे हैं, सातवां नंबर है कि आठवां या नौवां है, आई थिंक आई डोंट केयर, मतलब वो दिख जाएगा स्क्रीन में कहीं, तो स्क्रीन में सॉरी स्क्रीन में नहीं स्क्रीन में दिख जाएगा। तो वो है इवन स्किन, क्या बोलते हैं मेरा इधर लाल पड़ रहा है, इधर ये मैं काला हूँ, इधर आधा गोरा है, ऐसे कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं तो आते रहते। तो उसके लिए भी आप अगर रेगुलर बेसिस पे बर्फ मतलब 5 मिनट के लिए आइस क्यूब लगाओगे फेस पे तो इवन स्किन होगी। हाँ तो क्या होता है फ्रेंड्स, आप टीवी एड देखते हो पिंपल हो गया तो ऐसा होता है कि भूचाल दिखा देते हैं एडवर्टाइज में, ये यूज़ करो वो यूज़ करो। तो अगर भी आप टीनेज हो या टीनेज के बाद भी तो पिंपल्स होते हैं ऑब्वियसली होते हैं, तो आपके पिंपल्स आ रहे हैं या पिंपल्स रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं या मतलब जब महीनावारी चालू होती है तब भी थोड़ा बहुत पिंपल्स दिखते हैं, तो उसको उस पिंपल्स के लिए आप बर्फ, सिर्फ बर्फ लगाने से भी पिंपल्स आपका चला जाएगा और साथ में वो मतलब येलोइश होके फटने वगैरह की डर नहीं होती, मतलब सडन आने की डर नहीं होती। तो आपको रेगुलर बेसिस में सोने से पहले बर्फ लगाते हो तो पिंपल चला जाएगा और पिंपल आएंगे भी नहीं। ओके समझे हो कि नहीं? तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, आज के लिए इतना ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए प्लीज़ कमेंट बिलो मतलब नीचे ओके।